सो लकड़ी का बेट कैसे बनाते हैं? लकड़ी का बेट बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। और आप ये देख सकते हो मेरे पास में एक पाइन की लकड़ी है और इस लकड़ी का मैं आपको बेट बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हो मेरे पास में ये जो लकड़ी है इसकी चौड़ाई ये 4.5 इंच की ऐसी चौड़ाई है और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 3 फीट इसकी लंबाई है। और ऐसे में इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 1.25 इंच इसकी थिकनेस है। आप 2 इंच भी ले सकते हो, 3 इंच भी ले सकते हो। और ख़ास तौर पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लकड़ी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। मेरे पास फ़िलहाल ये पाइन की लकड़ी है, तो आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी लकड़ी के अंदर आप ये बेट बना सकते हैं। तो इस साइड में अपना हत्था रहेगा तो इधर मैं 10 इंच पर मार्किंग उतार लेता हूँ। तो ये अपना नीचे वाला भाग है, मैं यहाँ पर 8 इंच पर ये मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पर एक सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हमें 1.5 इंच की जगह छोड़ेंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया है। इस सेंटर से 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर हमने मार्किंग किया है मैंने, और इसको हम यहाँ पर राइट एंगल की मदद से उतार लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस मार्किंग को इधर उतार के, इसको भी उधर उतार के, इसको यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो गया है और अब इसके बाद में इसको ऐसा खड़ा करेंगे और यहाँ पर जो मार्किंग है इसको इधर उतार लेते हैं। और यहाँ पर हमें ये 18 mm की जगह छोड़नी है और उसके बाद में इस मार्किंग को इधर उतार लेना है। ये अपना ये मार्किंग हो गया, सेम ऐसा मार्किंग हम उधर भी कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मार्किंग है इस मार्किंग को यहाँ पर मिला लेंगे। ये मार्किंग यहाँ पर इसको मिला लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, ये जो मटेरियल है इसको हमें रंदा लगा के इसको साफ़ कर लेना है, ऐसे टेपर कर लेना है इसको। तो हम इसको रंदा लगा देते हैं इधर। कुछ इस तरीके से आपको ये पहले इसको टेपर कर लेना है। और अब हमें यहाँ पर ये जो मार्किंग है इसको इसको इधर उतार लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर भी 19 mm की जगह छोड़ लेंगे और इसको यहाँ पर ये मिला लेंगे। ये अपना यहाँ पर ये मार्किंग हो गया, सेम इसी तरह उधर भी मार्किंग कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस मार्किंग को भी सीधा उतार लेंगे इधर। ये अपना मार्किंग हो गया है और अब हमें क्या करना है, तो ये जो मटेरियल है इसको हमें यहाँ पर रंदा मार के ऐसे टेपर में लेना है। तो इसको भी मैं यहाँ पर ये रंदा लगा देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर ये पेपर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा राउंड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा यहाँ पर ये राउंड हो गया है थोड़ा सा। और अब हम यहाँ पर इधर भी थोड़ा सा और रंदा लगाएंगे। और अब हम यहाँ पर इस ग्लेंडर की मदद से इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। सो ये आप देख सकते हो हमारी जो ये बेट है इसकी किस तरह ये पोजीशन आई है। ये लगभग हमारा ये बैट यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है और आप इसकी पोजीशन देख सकते हो। तो आप ये इसकी पोजीशन देख सकते हो, ये किस पैटर्न में अपना जो ये बैट है ये बना है। और अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है और ये हमारा हत्ता भी यहाँ पर ये गोल हो गया है कंप्लीट। और इस कोनों को भी यहाँ पर थोड़ा सा राउंडिंग कर देंगे हल्का हल्का। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनली बेट बन के कम्प्लीट हो चुका है। आप ये देख सकते हो इसकी पोजीशन, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, काफ़ी ग्लैंडर लगने के बाद में एकदम फिनिशिंग में हो गया है। और ये हत्ता एकदम इसके साथ में कनेक्ट है तो कभी टूटेगा नहीं। ये रेडीमेड बेट आते हैं उसके अंदर हत्ता अलग से लगाते हैं तो वो बाद में निकल जाता है। तो ये काफ़ी मजबूत भी बना है और पाइन की लकड़ी में है, एकदम हल्का हो गया ये बहुत एकदम हल्का हो गया है। सो ये हमारा बेट बनके यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी फिनिशिंग और इसका पैटर्न
देख सकते हो काफ़ी एकदम मजबूत है और ये लकड़ी भी एकदम सूखी है, तो आपको भी बिल्कुल एकदम सूखी लकड़ी लेनी है। सो इसी तरीके से आप ये बेट बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई कमी रह गई हो इसमें तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देवें। जय हिंद।